रीना रानी भोजपुरी की फेमस एक्ट्रेस हैं और अपने बेहतरीन अदाकारी और ग्लैमरस लुक से सबको प्रभावित करने वाली रीना रानी के लाखों चाहने वाले भी हैं। भोजपुरी फिल्मों के अलावे वह विभिन्न टेलीविजन धारावाहिकों के लिए काम कर चुकी हैं। वह निमकी मुखिया, फुलवा, झांसी की रानी, CID समेत कई सीरियल्स में काम कर चुकी हैं। रीना रानी का जन्म बिहार के एक पढ़े लिखे परिवार में हुआ था। उनके माता पिता बिहार के शिक्षा विभाग में कार्यरत थे। वे चाहते थे कि रीना रानी IAS IPS अफसर बने, लेकिन वह बचपन से ही स्टारलेट बनना चाहती थी। बाद में पढ़ने के बाद उनकी इच्छा एक जुनून में बदल गई। अपनी शिक्षा के दौरान उन्होंने 1999 में मिस बिहार का खिताब जीता। पटना से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्हें टेलीविजन इंडस्ट्री में ETV बिहार चैनल से पहला ब्रेक मिला। एक एंकर के रूप में मिसेज भाग्यशाली नाम के एक शो में उनको मौका मिला और वहां से वो मशहूर हो गईं। यह 7 साल के लिए 2000 से अधिक एपिसोड का एक गेम शो था। वहां से उन्हें भोजपुरी फिल्म उद्योग से प्रस्ताव मिले और उन्होंने विभिन्न भाषाओं में 30 फिल्में की, जिसमें खोरथा, मैथिली, एंजलिया आदि शामिल है। उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ स्वच्छता अभियान के लिए एक विज्ञापन भी किया था। हाल ही में रीना रानी निमकी मुखिया के डुमरी चाची के किरदार निभा चुकी हैं, जो काफी प्रसिद्ध हुआ था। यह शो स्टार भारत पर प्रसारित होता था और नंबर 1 का शो था। टेलीविजन की लोकप्रियता और निमकी मुखिया की सफलता के बाद रीना रानी बॉलीवुड में उधम मचाना चाहती थी। फिलहाल उनका आस्था के महापर्व छठ का एक गीत मारबोरे सुगवा धनुष से के नाम से आने जा रहा है, जो एक पारंपरिक छठ गीत है, जिसे स्वर दिया है रीना रानी ने और संगीत से सजाया है दीपक ठाकुर ने। श्लोक एंटरटेनमेंट ने इसे प्रोड्यूस किया है। कोरियोग्राफ किया है कबीर सोनी ने। इसके अलावा कैमरामैन है करण कुमार और मेकअप का सारा जिम्मा अब्दुल फहीम ने किया है और हेयर स्टाइलिंग माधुरी ने संभाली है। गीत के मुख्य नायिका हैं प्रेरणा सुषमा और सहायक कलाकारों की जगह ली है उषा देशराज और ममता मित्तल, कमलेश कावरा, आंटी अनीता और चपरपाल, मीता सरकार और सरोज कावरा ने। पिंक म्यूजिक के बैनर तले यह गीत कल से आप सुन सकते हैं। इस मधुर गीत को सुनें और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें और इस तरह की खबरों के लिए बने रहें महाखबर के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बने रहें। धन्यवाद।